मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में छोटी की करतूत अनुपमा के सामने आ गई है कि उसी ने बदला लेने के लिए परी को कमरे में बंद किया है। अब अनुपमा आज छोटी को चेतावनी देने वाली है, तो दूसरी तरफ अनुपमा ने देविका के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है कि भाई वो आज भी अनुज से प्यार करती है और मरते दम तक उसी से प्यार करती रहेगी। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी तक अरमान ही फैसला नहीं ले पाया है कि उसे आखिर करना क्या है। एक तरफ है ताज़ा हुआ प्यार तो दूसरी तरफ है परिवार। वही सारा मज़ा माधव के आने के बाद आने वाला है क्योंकि उसे होश आ चुका है और वो भी अब घर पहुंचने वाला है। जबकि गुमे किसी के प्यार में कहानी का अंत होने वाला है और सभी ऋषान की लव स्टोरी भी खत्म होने वाली है। अब शो में नए किरदार और नई कहानी देखने को मिलेगी। तो ये तो थी आज के तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहाँ पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में छोटी ने अनुपमा से बदला लेने के चक्कर में मुसीबत मोल ली है क्योंकि अनुपमा को शक हो गया है कि ये काम छोटी का ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच कांड में श्रुति का हाथ बताया जा रहा है और अनुज को जल्द ही इस बात का सबूत भी मिलने वाला है। इसके साथ ही डिम्पी और टीटू की शादी भले ही ना हो, लेकिन अनुज का दिल धड़क रहा है क्योंकि अनुपमा ने अपने प्यार का इजहार जो कर दिया है और कह दिया है कि भाई वो मरते दम तक अनुज से ही प्यार करती रहेगी। लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा बहुत परेशान है क्योंकि वनराज अपने तानों से बाज नहीं आ रहा, परी के साथ हादसा हो गया और कॉकरोच कांड का खुलासा हो नहीं पा रहा। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में तोशु परी से पूछता है कि स्टोर रूम में जाने के लिए किसने कहा था। अब इस पर परी छोटी का नाम ले देती है और तोशु परी को भड़काता है कि छोटी से दूर रहो क्योंकि उसी ने ये काम किया होगा। अब तोशु कहता है कि छोटी परी से जलती है क्योंकि अनुपमा उससे ज़्यादा प्यार करती है। अब किंजल तोशु से लड़ने लगती है कि बच्चे के मन में ऐसा जहर डालने की क्या ज़रूरत है, लेकिन तोशु के तो भारत आने के बाद तेवर ही बदल गए हैं और वो कहता है कि ये उसके पापा का घर है उसका नहीं, तो ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। जिसके बाद सभी घर के मर्द मिलकर खाना बनाने का प्लान करते हैं, लेकिन बा को अपनी किचन की फिक्र सता रही है कि ये सारे मर्द कहीं किचन में तबाही न ला दें। अब अनुपमा भी वहाँ पहुँच जाती है और वनराज खाने का ऑफर करता है, वो भी ताने के साथ। वो कहता है कि इसमें कॉकरोच या मक्खी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल अनुपमा का पूरा ध्यान तो छोटी पर है और वो अकेले में छोटी को डांटती है कि सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसी हरकत कैसे कर दी। अब अनुपमा छोटी को धमकी देती है कि अगर दोबारा परी के साथ ऐसा कुछ किया तो उसका हाथ होगा और छोटी का गाल। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की हल्दी होनी है और शादी भी, लेकिन इससे पहले ही अरमान को अभीरा से प्यार का एहसास हो गया है, लेकिन वो फैसला नहीं ले पा रहा है। लेकिन आज विद्या उसे शादी के लिए राजी कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ रूही और अरमान के बीच नज़दीकियां बढ़ाने के लिए दादिसा ने चाल चली है और अरमान के नाम से गिफ्ट भी रूही को भिजवा दिया है। अब बेचारी एक बार फिर इस भ्रम में जी रही है कि अरमान उससे कितना प्यार करता है। लेकिन आज होता ये है कि अरमान को एहसास होता है कि घर के बाहर अभीरा खड़ी है। अब वो नंगे पाँव भागा भागा घर के बाहर पहुँच जाता है, लेकिन तब तक अभीरा तो जा चुकी है। अब दादिसा अरमान को समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। वहीं दूसरी तरफ माधव को होश आ गया है और वो होश में आते ही अरमान और अभीरा के तलाक के बारे में सोचता है। अब अरमान को भी दूसरी तरफ अपने पिता यानी माधव की याद सता रही है और वो उसे फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन तो संजय के पास है। अब विद्या अरमान को समझाने के लिए आती है कि रूही से उसका शादी करना बहुत सही फैसला है। वो कहती है कि माधव जी ने कभी भी उसे प्यार नहीं दिया और सिर्फ अपनी ड्यूटी को ही ज़रूरी समझा, लेकिन मैं इस घर में रुक गई क्योंकि मुझे तेरी और रोहित की फिक्र थी। अब तूने रोहित के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरमान विद्या से भले ही बातें कर रहा है, लेकिन ख्यालों में तो अभी भी अभीरा ही है। अब विद्या अरमान को हल्दी के लिए तैयार करके लेके आती है। वहीं दूसरी तरफ रूही को चिंता सता रही है कि अभी तक शगुन की हल्दी क्यों नहीं आई। अब वो दादिसा को फ़ोन करती है और सवाल करती है, लेकिन तभी रूही के पास एक तोहफा पहुंच जाता है जिस पर अरमान का नाम लिखा है। अब रूही को लगता है कि ये गिफ्ट अरमान ने भेजा है, लेकिन ये चाल तो दादिसा ने चली है। जिसके बाद अरमान को हल्दी लगती है और वही हल्दी क्रिश और बाकी बच्चे लेकर रूही के घर जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ख़राब हो जाती है उनकी गाड़ी और अभीरा उन्हें लिफ्ट देती है। अब क्रिश अभीरा को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बार घर चले जाए, लेकिन अभीरा नहीं मानती और रास्ते में रूही के लिए ले जाई जा रही हल्दी गलती से अभीरा के हाथ पर लग जाती है। अब अभीरा को भी अजीब लगता है कि अरमान की शादी रूही से हो रही है, लेकिन रस्में उसके साथ हो रही हैं।
वही गुम है किसी के प्यार में। ईशान और सभी की लव स्टोरी में भयंकर तूफान आने वाला है और इस तूफान का अंत सभी और ईशान की लव स्टोरी से ही होगा। इसके बाद आपको शो में नए किरदार और नई कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि भंवर पाटिल ने दोबारा ईशान को जेल में डाल दिया है। पहले रेक तो अब मर्डर के मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ सभी ईशान को जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि उसका मन नहीं मान रहा कि ईशान किसी का खून भी कर सकता है। इसलिए अब सभी नए मिशन पर निकल चुकी है और उसका मिशन भी कामयाब हो ही चुका है। अब सभी ने वो रिकॉर्डिंग ढूंढ ली है जिसमें भंवर और वो लड़की साथ में दिख रहे हैं। अब भंवर गिरफ्तार हो चुका है और दोबारा रीवा और ईशान की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तो बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है और वो ये है कि ईशान खुद अपने प्यार का इजहार सभी से करने वाला है। और बाकी तो आप प्रोमो में देख ही चुके हैं कि दोनों की शादी का मंडप भी सज चुका है, लेकिन एक तूफान दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।